गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स एंड योर टॉपिक इज लार्ज नंबर। तो बच्चों, आप सबसे पहले अपने चैप्टर्स के बारे में समझ लीजिए कि आपका चैप्टर है क्या। तो आपका जो चैप्टर है बेटा, वो क्या है? लार्ज नंबर्स हैं, ठीक है। अब लार्ज नंबर्स होता क्या है? नंबर्स, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, नंबर्स होता क्या है, ठीक है। नंबर्स 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके क्या है? नंबर्स हैं। अब 1, 2, 3, 4 ये तो आपके छोटे नंबर्स हो गए, इन्हीं सबसे आपके बहुत बड़े बड़े नंबर्स बने हैं। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लार्ज नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज नंबर्स, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? लार्ज नंबर्स हो जाते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा, हम लोगों को क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा, रिवाइज करना होगा। इससे हम लोग क्या होंगे बेटा? वार्म अप होंगे ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में, स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, तभी तो हम लोग लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। बेटा यहाँ पे आप लोगों को सेट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ पे 6 सेट्स दिए हैं, सभी में आपको क्या करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर पे क्या करना है? रिंग करना है और टिक करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे, है ना। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए आप लोगों को पहले पढ़ना होता था क्या? प्लेस वैल्यू। तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू के बेस पे इन्हें हम डिफाइन करेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लैक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा, वो क्या लिखा है? 2,36,745। अब बेटा इससे हम इसको कंपेयर करेंगे, इस नंबर से इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए बेटा कि यहाँ पे जो हमारा लैक की पोजीशन है, जो लैक की प्लेस है, वहाँ पे भी सेम है, और जो 36 है, मतलब हमारा 36,000, वो भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 100 की बात करते हैं बेटा, तो 100 भी सेम है, दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेंस की है वैल्यू है वो चेंज है, और जो वंस की वैल्यू है वो चेंज है। मीन्स टेंस की जो वैल्यू है वो 4 टेंस 40 और 5 टेंस 50, यहाँ 5 टेंस 50 और 4 टेंस 4, है ना। तो यहाँ देखिए 2,36,745 है, और यहाँ पे 2,36,754 है। इसमें हम देखेंगे कि ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये ग्रेटेस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ अभी ये ग्रेटेस्ट हो गया, नेक्स्ट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि लैक की पोजीशन पे 2 लैक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ 63,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया? 63,000 हो गया, यहाँ पे 36,000 था। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा? ग्रेटेस्ट हो गया। अभी यहाँ देखते हैं तो यहाँ 36,000 है, ये स्मॉलेस्ट हो गया, और यहाँ पे 2,63,745, यहाँ 754 है, यहाँ 745 है, है ना। तो बेटा ये 745 क्या है? स्मॉलेस्ट है इससे, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखिए बेटा, यहाँ पे 574 है, ये सबसे हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। और यहाँ देखिए आपका 2,63,754 था, इसलिए हम क्या कर देंगे? इसे रिंग कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इस सेट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, यहाँ भी लैक तक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, यहाँ भी लैक तक है,
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, यहाँ भी लैक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, यहाँ भी लैक तक है। इधर भी देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक। अब देखिए सबकी वैल्यू चेंज है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है। तो बेटा सबसे पहले आप यहीं लाख से ही देख लीजिए, लाख से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो 3 लाख ना। अब 3 लाख तो स्मॉलेस्ट है 4 लाख से, 9 लाख से भी स्मॉलेस्ट है, 7 लाख से भी और 5 लाख से भी। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया 3,89,265। तो इसे हम क्या कर देंगे बेटा, टिक कर देंगे। और जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में हम यहाँ देख लेंगे 9 लाख है, तो 9 लाख को हम लोग क्या कर देंगे, रिंग कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लैक की पोजीशन थी वो तो चेंज थी, तो इसलिए हमें करना आसान हो गया था, बहुत ही ईजी हो गया था करना। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ भी लैक तक पोजीशन है, आप लोग एक बार देख लो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक, यहाँ भी लैक है, यहाँ भी लैक है, यहाँ भी लैक और यहाँ भी लैक, सब में देखिए वैल्यू सेम है, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख और 7 लाख। अभी लैक तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम थाउजेंड की बात करते हैं तो यहाँ भी 31,000, 31,000, 31,000, 31,000 और 31,000। देखिए थाउजेंड की भी वैल्यू सेम है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं बेटा 100 की पोजीशन, 100 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे 700 है और यहाँ पे भी 700 है। देखिए अगर यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट में देखेंगे बेटा यहाँ पे 587 है। क्या आप कहीं 587 से भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखेंगे 587 से ये 578 है, मतलब ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट है, 587 था, यहाँ पे 578 है, क्या इससे भी लोवेस्ट वैल्यू है कहीं पे, नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। अब बचा हमारी बात होती है ग्रेटेस्ट की। देखिए यहाँ 587 था, यहाँ 578 था, ये स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट होगा नहीं। कंपेयर करते हैं 857, 758, 785, यहाँ 758, यहाँ देखिए 100 की वैल्यू से हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, वैल्यू सेम है। थाउजेंड की देख, हाँ बेटा, तो थाउजेंड की देखते हैं, और थाउजेंड में हमारा 10,000 पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो मतलब 0 हो गया, यहाँ भी 0 है तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, मीन्स हर जगह पे 10,000 की प्लेस पे 0 है, तो यहाँ से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 लाख ही क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम थाउजेंड की बात करते हैं, 10,000 में तो 0 था, लेकिन अगर थाउजेंड में बात करते हैं तो यहाँ भी वैल्यू सेम है, 1,000 है, यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000, ठीक है। हमें टिक क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना है तो देखिए 1,000 था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है, 101 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे क्या है, 1 ही है बेटा। तो जो 1 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ 1 है ना, तो 1 को हम क्या कर लेंगे बेटा, टिक कर लेंगे, क्योंकि 1 से भी स्मॉलेस्ट तो कोई नहीं है ना। अब यहाँ 11 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ तो 10 है, ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे 100 है, तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 101 ही तो ग्रेटेस्ट होगा, बोलिए।
तो ग्रेटेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, जिंक कर देंगे। समझ में आई बात बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी देखिए लैक तक ही है, लार्ज नंबर है, लैक तक है। 5 लैक 5 लैक 5 लैक 5 लैक 5 लैक, 27,000 29,000, 37,000 77,000 और 39,000। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, और ग्रेटेस्ट नंबर 77,000 77,000 से भी ग्रेटेस्ट कुछ है नहीं है। तो देखिए 77,000 को हम लोग क्या कर लिए, रिंग कर लिए, और टिक करना है सबसे स्मॉलेस्ट को। तो देखिए बेटा यहाँ पे 27,000 से भी स्मॉलेस्ट कुछ है नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लैक 5 लैक 5 लैक 5 लैक और 6 लैक। देखिए 6 लैक आ गया, और 6 लैक क्या हो गया हमारा, ग्रेटेस्ट हो गया। क्या 6 लैक से भी ग्रेटेस्ट कोई है, नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट है इसलिए इसे हम लोग क्या कर देंगे, रिंग कर देंगे, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट पे टिक करना है, स्मॉलेस्ट के लिए अब देखिए इन्हीं चारों में हमें कंपेयर करना है। यहाँ 68,000 है, यहाँ 86,000 है, यहाँ पे 68,000, यहाँ पे 86,000, तो हम कंपेयर किस में करेंगे, हमारा ये 86 तो होगा नहीं, 68 में कंपेयर करें। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, 68,308 है, यहाँ 68,803 है। तो बेटा स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 308 हुआ ना, तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे आप लोगों को बुक में फिल करना है और कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को मालूम है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इससे पहले आप लोग अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हम लोग पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000 पढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल में होता है उसमें मिलियन बिलियन पढ़ते हैं, ठीक है, रीड करते हैं। चलिए अगर हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100। अभी 100 पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। 100 के बाद 1000 और 10,000 पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं। इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 10, 100, 100 पे हम लोग कॉमा लगा देंगे, 1000, 10,000 कॉमा लगा देंगे, और लैक हमारा अलग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सेपरेट हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 10, 100, 100 पे लगा देंगे कॉमा। नेक्स्ट 1000, 10,000, 10,000 पे लगा देंगे। अब देखिए लैक और 10 लैक है, यहाँ पे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लगा दिया, और लैक 10 लैक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये हमारा क्या हो गया, इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है, इसमें हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो बच्चों इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग जो सेपरेट करेंगे उन पीरियड को कैसे सेपरेट करेंगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000, बट यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 100,000 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अभी तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ही है, 1, 10, 100, 100 पे सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1000, 10,000 और 100,000। मींस यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी गई है बेटा वो कितने तक दी गई है, 100,000 तक ही दी गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 1, 10, 100, 100 पे सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 1000, 10,000 और यहाँ पे लैक नहीं होगा, यहाँ पे 100,000 हो जाएगा, है ना। तो आगे हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, 1, 10, 100, 100 पे हमने सेपरेट कर दिया। फिर 1000,
10,000 और 100,000। 100,000 पे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब 100,000 के बाद जो आएगा बेटा वो हमारा क्या आएगा, मिलियन आएगा। क्या आएगा, मिलियन आ गया। समझ में आई बात बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। हंड्रेड पे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर थाउजेंड, 10,000 और 100,000। 100,000 पे भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। वो यहाँ पे हम लोग जो सेपरेट करते थे, पहले 100 तक सेपरेट करते थे, फिर उसके बाद 10 पे पोजीशन पे सेपरेट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम सेपरेट करेंगे बेटा वो 100 पे ही सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये 100,000। नेक्स्ट ये तो हो गया था इस वाले में। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा वो है क्या है, 6 लाख इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन, ठीक है, 6,73,429। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है, सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, कुछ इस अकॉर्डिंग 6,73,429। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो वही 6 लाख जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, 73,000 ही रहेगा, 73,429। तो बेटा ये समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट इस अकॉर्डिंग आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख है ना, यहाँ 10 लाख है, मीन्स 45 लाख 32,655। बट अगर हम लोग इंटरनेशनल में इसे लिखेंगे तो इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 100,000 और मिलियन। तो कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, 4,532,655। तो बेटा इसे हमने आपको बता दिया है कि ये मिलियन की वैल्यू है और इसे आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं नंबर्स को, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, लाइक 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, नंबर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता जा रहा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, मतलब क्या, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है कौन सी। तो देखते हैं बेटा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रीड करेंगे, तो क्या है, 6 लाख है, 6 लाख है। ठीक है, यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है और यहाँ पे 6 लाख है। सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट ही फाइंड करें ना, तो स्मॉलेस्ट फाइंड करें 6 लाख। देखिए 3 में कंपेयर किए, 1, 2, 3, 3 में कंपेयर्स हुए तो यहाँ पे 6 लाख ही है। नेक्स्ट अगर हम 10,000 की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ 12,000 है, यहाँ भी 12,000 है, यहाँ 14,000 लेंगे ही नहीं क्योंकि 7 लाख की बात है, यहाँ 31,000 है। बेटा अब ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, अब कंपेयर करते हैं इसमें 12,000 इक्वल है लेकिन यहाँ 9,337 है और यहाँ 348 है।
अब कंपेयर हमने किया तो देखिए बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो गई, 6,12,348। देखिए बेटा, अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और इसे हम लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्या नोट करेंगे कि 6,12,348। अब ये हमारा एलिमिनेट हो गया, कॉमा लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से सेमी कोलोन। अभी देखिए बेटा, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट था, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। अब इससे बिगेस्ट तो यही होगा ना, क्योंकि यहाँ 937 12 में, यहाँ 31 है, ये तो होगा ही नहीं। तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6,12,348, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सॉरी 48 हो गया था, सॉरी दिस इज रॉन्ग, यह 348 की जगह पे क्या हो जाएगा, 937, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 937। चलिए रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, ये रॉन्ग हो गया बेटा बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,12,937, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए, दो क्वेश्चन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे यहाँ पे तीन। अब तीन में देखेंगे बेटा, इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ही करते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, क्योंकि ये 7 लाख है, यहाँ भी 7 लाख है, यहाँ 6 लाख है, तो हम यही तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 31,000 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 6 लाख, आप लोग अच्छे से कॉपी में करिएगा, 6,31,278, ठीक है। अभी देखिए, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अभी कितने क्वेश्चन, कितने बचे हमारे पास, दो बचे, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसे, 7,14,000 और यहाँ 7,09,000। अब आपको मालूम हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पे 14,000 है, तो स्मॉलेस्ट हमारा यही हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ, इसे भी एलिमिनेट कर दो और इसे हम लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, 7,09,684। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा जो वही बचता है, तो यही सबसे ग्रेटेस्ट हो गया हमारा और ग्रेटेस्ट हो गया। देखिए 7,09,684। अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है बेटा, वो क्या बचता है कि 7,14,372। तो बेटा ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, अब इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसे आपको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट हमारा हो जाएगा, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे बिगेस्ट जो है हमारा है, बस इसी को हमारा जस्ट अपोजिट करते चले आएंगे, 7,14,372। नेक्स्ट 7,09,684। नेक्स्ट 6,31,278।
नेक्स्ट 6 लाख, ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन। नेक्स्ट देखिए, जस्ट अपोजिट करते चले आ रहे हैं, यहाँ पे 6 लाख, ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट। तो बेटा ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। इन्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है और जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, और 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को सबमिट करना है, 2 o'clock से, बिफोर 2 o'clock, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, देखिए अगर हम लोग 7 डिजिट को छोड़ दें, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करें तो 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, 1 डिजिट में मतलब डिजिट 1 एक ही हो, तो 1 2, 1 से बिगेस्ट 2 है, 2 से बिगेस्ट 3 है, 3 से बिगेस्ट 4 है, 4 से बिगेस्ट 5, 5 से बिगेस्ट 6, 6 से बिगेस्ट 7, 7 से बिगेस्ट 8, 8 से बिगेस्ट 9। बेटा ये सब क्या है, 1 डिजिट नंबर ही है, लेकिन 9 से बिगेस्ट 10 है ना, 9 से बिगेस्ट 10 हो गया। अगर हम 1 डिजिट की बात करें तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, 9 है, सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, 9 है, और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा 1 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा, 1 होगा, 1 ही तो होगा सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में। वहीं अगर हम 2 डिजिट की बात करें, कितने डिजिट की बात करें बेटा, तो सबसे बिगेस्ट क्या हो जाएगा 2 डिजिट में, ये तो 1 डिजिट में, 1 डिजिट में 9 हो गया, 2 डिजिट में सबसे बिगेस्ट तो 99 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो 100 आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग बेटा हम इसमें देखते हैं लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 टाइम आप 9 लिख दो और उसे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा के 1 लिख दीजिए, ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। तो समझ में आई बात बेटा। नेक्स्ट अगर हम लार्जेस्ट 6 डिजिट की बात करें तो 6 टाइम 9 लिख दो, हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट हो गया। रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये रिवीजन था, इसके आगे हम आप लोगों को क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट समझाएंगे, ठीक है। आपको इन सभी को अपनी बुक में फिल करना है और अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स, सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।